Hello class, in this video we will learn about number and digits. Number and digits, यानि कि संख्या और अंक. कोई भी संख्या, कोई भी नंबर कितने अंक का है ये जानेंगे ना. डिजिट हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है. तो नंबर स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, ठीक है ना. स्मॉलेस्ट नंबर में 1 और ग्रेटेस्ट नंबर में 9, ये 1 डिजिट है ना. साथ में हम लोग डिजिट लिख देते हैं इसमें, डिजिट, ठीक है. तो कोई भी संख्या कितने अंक का है वो जानेंगे. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, है ना. और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 हुआ, ठीक है. और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9. 9 से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता है 1 डिजिट का, है ना. और स्मॉलेस्ट में 1 से छोटा नंबर नहीं होता, ठीक है. फिर 1 0 10, ये 2 डिजिट है, ठीक है. 1 2, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है. तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10, ठीक है ना. इससे छोटा नंबर नहीं होता. इससे छोटा हम बोलेंगे तो क्या होता है, 9. और 9 1 डिजिट का होता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या हुआ, 10. और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 99. ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है और ये 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है ना, 99. अगर पूछा जाए कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है तो हम क्या लिखेंगे, 1 00 100. 3 डिजिट हो गया, है ना. ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, है ना. तो अंक हम लोग किसको बोल रहे हैं, जितना संख्या, एक संख्या है उसको बोलेंगे 1 डिजिट, दो संख्या है तो बोलेंगे 2 डिजिट, तीन संख्या है तो बोलेंगे 3 डिजिट, है ना. तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 100. और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 999, है ना. इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, है ना. 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999, है ना. अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, है ना. 1000, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का, ठीक है. 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है. 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक सबसे छोटी संख्या 1000, है ना. 1 10 100 1000, उस तरह से 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999, है ना. इसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है. 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 9999, है ना. 4 डिजिट है इसमें, ठीक है. उसी तरह से 5 डिजिट में एक एक 0 बढ़ते जाएगा और ग्रेटेस्ट में एक एक 9 बढ़ते जाएगा, ठीक है. 1 2 3 4, 5 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. उस तरह से 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99999, है ना, 5 डिजिट, ठीक है. समझ में आ गया आप लोग. इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर और भी आगे लिखना हो तो इसमें 10 बढ़ाते जाएंगे, इसमें 119 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है. ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना. अब हम लोग डिजिट्स को प्लेस वैल्यू में देखेंगे ना. कितना भी डिजिट का है ना उसको प्लेस वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, ठीक है. जैसे 29, ये 2 डिजिट का नंबर है ना. इसको हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे देखेंगे, तो ये किस प्लेस में है, 9 वंस प्लेस में, है ना.
9, और 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 2020, क्योंकि ये टेंस प्लेस में है ना, 2020, ठीक है ना। उस तरह से 435 है ना, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू में कैसे दिखाएंगे, वंस में क्या है 5 हो गया, टेंस में क्या है 3030 हो गया, और 100 में क्या है 400 है ना। तो सबका प्लेस हम लोग देख लिए, 5 क्या है वंस प्लेस में, 3 क्या है टेंस प्लेस में, और 4 है 100 के प्लेस में है ना। तो हम लोग इस तरह से इसको प्लेस वैल्यू में दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 4 डिजिट का नंबर लेते हैं ना, ये 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 4345, ठीक है। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, वंस में है तो 5 हो जाएगा है ना। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4040, 4 टेंस में है वंस टेंस, इसलिए 4040। अब 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, वंस टेंस 100, 100 प्लेस में है तो 300 हो गया। फिर 4 का प्लेस वैल्यू क्या निकलेगा, इसको भी देखेंगे डिजिट में, वंस टेंस 100 1000, 4 क्या है 1000 प्लेस में है ना, तो हम क्या लिखेंगे 4000, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4345 है ना प्लेस वैल्यू। और भी आगे अगर और भी अधिक डिजिट का हो तो 52593, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू में देखेंगे, ठीक है। वंस प्लेस में है 3, तो 3 को कैसे लिखेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू में, 3 ही लिखेंगे ना, क्योंकि वंस प्लेस में है। 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, वंस टेंस, टेंस में है तो 9090। 5 का प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस में है, वंस टेंस 100, 5 कौन से प्लेस में है 100 प्लेस में, तो 500 हो गया। फिर 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 कौन से प्लेस में है, वंस टेंस 100000, 1000 प्लेस पे 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2000। और अब 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 कौन से प्लेस में है, वंस टेंस 100000 10000, तो क्या हो जाएगा 50000, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, वंस टेंस 100000 10000 लाख 10 लाख, इस तरह से ना। एक एग्जांपल देते हैं, है ना, वंस टेंस 100000 10000 लाख 10 लाख, इस तरह से है ना। तो किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर एक नंबर दिया हुआ है 653434, इस तरह से ना, तो वंस प्लेस में क्या है 4 है, 4 को हम वन प्लेस में लिखेंगे। उसके बाद वंस में टेंस, टेंस में क्या है 3 है, 3 को 10 प्लेस में लिखेंगे। उसके बाद 4 कौन से प्लेस में, वंस टेंस 100 प्लेस में क्या है 400 प्लेस में क्या लिखेंगे 4। फिर वंस टेंस 100000 प्लेस में क्या है 3 है, 1000 में 3 लिखेंगे। फिर वंस टेंस 100000 10000 में क्या है 5 है, 10000 हम 5 लिखेंगे। उस पर वंस टेंस 100000 10000 लाख, लाख में क्या है 6 है, 6 लाख, लाख में हम 6 लिखेंगे। उसके आगे नंबर नहीं है ना, तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर और भी आगे नंबर आता तो हम यहां लिख देते नंबर, ठीक है। ये होगा आपका प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट में भी आप लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, और प्लेस वैल्यू दिखाना हो तो इस तरह से हम लोग अभी बताएं सबका प्लेस वैल्यू किस तरह से निकलेगा। तो जिस प्लेस में जो है हम वही लिखेंगे ना, 4 वंस प्लेस में 4 लिखेंगे, 3 टेंस प्लेस में है 3030 लिखेंगे, 400 प्लेस में है तो 400 लिखेंगे, 3000 प्लेस में है तो 3000 लिखेंगे,
फाइव 10,000 प्लेस पे है तो 50,000 लिखेंगे, और 6 लाख प्लेस में है तो हम 6 लाख लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इस तरह से आप लोग नंबर नेम भी लिख सकते हैं, है ना, 6,53,434। ठीक है ना, आप लोग का स्पेलिंग आता है लिखने के लिए, तो आप लोग किसी भी नंबर को नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, इसको काउंट कर लेंगे ना, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000। ठीक है, 6,53,434। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग नंबर और डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में और प्लेस वैल्यू को इस तरह से दिखाएंगे, है ना। और डिजिट्स आप लोग को समझ में आ ही गया है ना, तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हो उसको आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना।